अंबेडकर नगर में महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता तिवारी जी पहुंची जिला मुख्यालय बस स्टॉप पर। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश पांडे के नेतृत्व में मीडिया प्रभारी विवेक पांडे, युवा मोर्चा के जिला मंत्री गौरव उपाध्याय, वहीं किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष संतोष वर्मा, नगर उपाध्यक्ष अंकित पांडे, अतुल वर्मा, सुमित शुक्ला आदि युवाओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक में भाग लिया और लोकसभा चुनाव 2019 को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश का आह्वान किया गया और फिर से भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। उसके उपरांत अकबरपुर नगर महामंत्री सभासद गौरव श्रीवास्तव के घर पहुंचकर उनके माता पिताजी का हालचाल लिया। वहीं जाना माना जा रहा है कि अंबेडकर नगर लोकसभा भाजपा से दावेदारों में प्रबल दावेदारी भी है। भारतीय जनता पार्टी के उपलक्ष्य में कुछ बोलिए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां क्या है? चलता है उसी दृष्टि में दीदी जी भी आई है। आप जो है महिला आयोग की सदस्य हैं और अंबेडकर नगर जनपद को गोद ले रखा है, इस दृष्टि से आपका कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना जारी है। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा देखा जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, अंबेडकर नगर। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज आलापुर विधानसभा के क्रिटिकल एवं वन लेवल बूथों का निरीक्षण कर चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। वहीं बूथ संख्या 180-181 जूनियर हाई स्कूल सतारा थाना जहांगीरगंज, बूथ संख्या 229 अक्षरा नारायणपुर थाना जहांगीरगंज, बूथ संख्या 336 337 प्राइमरी पाठशाला इंदौरपुर और धर्मपुर थाना राजेश सुल्तानपुर का निरीक्षण कर आवश्यक चाक चौबंद व्यवस्था की गयी। वहीं उप जिलाधिकारी आलापुर, क्षेत्राधिकारी आलापुर थाना राजेश सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, अंबेडकर नगर।